दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। एरिया 51 रोजवेल एलियन यूएफओ से जुड़ी जानकारी। क्या आप किसी परग्रही एलियन सभ्यता पर विश्वास रखती हैं और उनके हमारी धरती पर आने को सच मानती हैं? अनेक लोगों की इस बारे में अलग अलग राय है। कुछ इन बातों पर विश्वास करते हैं तो कुछ इन्हें सीधे से नकारती हैं और कुछ इस विषय में जानकारी एकत्र करके इस विषय में और अधिक जानना चाहती हैं। ऐसी ही एक जगह है एरिया 51। क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? एरिया 51 का रहस्य। विश्व में यूएफओ दिखे जाने की अनेक घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अभी तक किसी भी संदेश से आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन ऐसा सन 2014 में पहली बार हुआ जब अमेरिका ने अपने टॉपर सीक्रेट एरिया 51 में एलियन पर हो रहे परीक्षण के बारे दौरान खींची गई तस्वीरें जल्द ही जारी करने का दावा पेश किया। एग्जामिनर, जो एक बहुत लोकप्रिय वेबसाइट है, उसके अनुसार यह तस्वीरें 1947 में खींची गई थी जब रोजवेल में एक यूएफओ क्रैश होने की बात कही जाती है। हालांकि इस बारे में अभी किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। टॉप कैडे, जो एक जाने मानी यूएफओ एक्सपर्ट ने कोजैक रोल पर खींची गई इन तस्वीरों की सत्यता जानने के लिए एक कोजैक इतिहासकार से मिले और फोटो एक्सपर्ट ने बताया कि यह फिल्म स्ट्रिप 1947 की है और इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ भी नहीं की गई है। सन 2015 में नेशनल ऑडिटोरियम में रोजवेल स्लाइड्स के नाम से जारी इन तस्वीरों में एक परग्रही के शव को देखा जा सकता है। यह शव सन 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल में हुए यूएफओ क्रैश से मिला था। कैरिनी इस तस्वीर को देखकर बताते हैं कि एलियन की लंबाई 4 फीट रही होगी और इसका सिर किसी कीड़े जैसा था। इस परग्रही एलियन के सिर को जांच के लिए काटा गया था और सुरक्षित रखने के लिए लैब का भी प्रयोग किया गया था। इस बात पर आज भी प्रश्न चिन्ह है, अगर यह घटना सच थी तो इसे आधी सदी तक छुपाकर क्यों रखा गया और आज इस सच को सबके सामने प्रस्तुत करने का क्या कारण है?